ये आपके पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 और मेरे ख्याल से 29 अप्रैल 2020। और इसके अंदर हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अब डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल से क्या मराद है कि अल्कोहल के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा बिगाड़ पैदा करना, ठीक है, डिस्टर्बेंस पैदा करना। तो अल्कोहल के स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने डी नेचरिंग करनी है या बिगाड़ पैदा करना है, वो कैसे करेंगे कि आपने क्या करना है कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल बैठे के इसके अंदर डी नेचरिंग करनी हो तो आप इसके अंदर 10% मेथनॉल में डाल देते हैं। अगर आपने एथेनॉल के अंदर डी नेचरिंग करनी है, तो उसके अंदर क्या डाल देनी है, 10% मेथनॉल डाल देनी है। जैसे क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और इस तरीके से आप जो है ना एथेनॉल का जो ड्रिंकिंग यूज़ है उसे अवॉइड कर सकते हैं। कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो एथेनॉल है, ठीक है, लोग इसे कंज्यूम ना करें, तो उसके अंदर आप मेथनॉल ऐड कर देंगे तो वो फिर जो है ना, ठीक है, लोग उसे लोगों का जो इंटरेस्ट है उसके अंदर नहीं रहेगा पीने के लिए। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है कि सच अल्कोहल्स को, यानी ऐसी अल्कोहल्स या ऐसी एथनॉल्स जिनके अंदर आपने मेथनॉल डाली हुई है, उनका ड्रिंकिंग पर्पस जो है अवॉइड करने के लिए, तो ऐसी अल्कोहल्स को हम क्या बोल देते हैं, मेथाइलेटेड स्पिरिट बोल देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और जो अल्कोहल कंज्यूम करने के आदि हो गए होते हैं, वो एंड पे आके स्पिरिट भी पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास है, कह रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पैराडीन और एसीटोन भी इस्तेमाल की जाती है, एथेनॉल के अंदर ऐड की जाती है ताकि उसका जो ड्रिंकिंग पर्पस है उसे अवॉइड किया जा सके। यानी ड्रिंकिंग पर्पस को, एथेनॉल के ड्रिंकिंग पर्पस को अवॉइड करने के लिए उसके अंदर मेथेनॉल भी डाली जा सकती है, पैराडीन भी डाली जा सकती है, एसीटोन भी डाला जा सकता है ताकि लोग उसे कंज्यूम ना करें, ठीक है। आगे आपके पास आता है कि अदर मेथनॉल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि वो कि कौन सी अदर मेथनॉल्स हैं, ठीक है, जो कि अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कह रहा है कि जो अगर आपने अल्कोहल बनानी है, उसने एक जनरल प्रोसीजर बताया हुआ है कि अगर आपने अल्कोहल बनानी है तो आप क्या करेंगे, अल्कीन्स की हाइड्रेशन कर देंगे, यानी अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपके पास अल्कोहल हासिल होगी। उसके बाद कहता है कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो तब भी आपके पास अल्कोहल जो है, ठीक है, बनती है। अब आगे बता रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अब जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं, ठीक है, लोअर अल्कोहल जो है उन वो कलरलेस होती हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होंगी, टॉक्सिक होंगी। टॉक्सिक से क्या मराद है कि जहरीली, स्वीट स्मेल होती है इनकी और बर्निंग टेस्ट होता है, और ईजीली वाटर सोलिबल होती हैं, ठीक है। ये जो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, ये लोअर अल्कोहल जो हैं, ठीक है, ईजीली वाटर सोलिबल होती हैं, और जो हायर अल्कोहल्स हैं, ठीक है, उनकी जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। हायर अल्कोहल की जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अब अल्कोहल की जो सॉलिबिलिटी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। अल्कोहल की जो सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है लोअर अल्कोहल के अंदर। इसी वजह से लोअर अल्कोहल हैं, ठीक, वो वाटर के अंदर हाईली सोलिबल हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये डिमिनिश होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है हायर अल्कोहल्स के अंदर। इसी वजह से जो हायर अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अपने अंदर कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लेस सोलिबल होते हैं वाटर के अंदर। आगे अब यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि हेक्सानोल, अब ये जो हेक्सानोल है, ठीक है, ये मैक्सिमम वाटर सॉलिबिलिटी रखती है। और ये आपके पास बताया हुआ है इस पॉइंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल के, वाटर और अल्कोहल के दरमियान, जब वाटर एंड अल्कोहल को आप मिक्स करते हैं तो उसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो ये है, ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। अब आगे आपके पास बता रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अल्कोहल का, वो हमेशा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर अल्केन्स। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का हायर होगा एज कम्पेयर टू द अल्केन्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो मिथाइल अल्कोहल्स और जो एथाइल अल्कोहल हैं, ठीक है, ये लिक्विड्स हैं, लेकिन आपके पास मिथेन और जो इथेन है, ठीक है, ये गैसेज हैं। अब मिथाइल अल्कोहल का अगर फार्मूला देखें ना, तो इसके अंदर मेथ आता है, देखें CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है आपके पास। और एथाइल अल्कोहल आपके पास देखें, इसके अंदर दो कार्बन आ जाएंगे CH3CH2OH, तो ये आपके पास एथाइल अल्कोहल है। लेकिन शुरू में देखें मेथ लगा हुआ है मिथाइल अल्कोहल के अंदर,
और जो थायलर कोहल है इसके अंदर दो कार्बन लगे हुए हैं। अगर ये दोनों सेपरेट फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, मेथ और एथ, ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, लेकिन जब अल्कोहल के साथ पाए जाएं तो फिर ये लिक्विड की फॉर्म अख्तियार कर लेती हैं। कहना ये जा रहा है कि मिथाइल अल्कोहल और आपके पास जो थायल अल्कोहल है वो लिक्विड है, लेकिन आपके पास जो मिथेन है और इथेन जो है, ठीक है, ये गैसेज होती हैं। आगे आपके पास आया था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के जो रिएक्शन हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं सेकेंड नंबर पे जिसके अंदर ओ एच बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कि आइदर वो ओ एच बॉन्ड ब्रेक होगा या सी ओ बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर, ठीक है। अब अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा कार्बन ऑक्सीजन, यानी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा अल्कोहल के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल अगर अल्कोहल के ऊपर अटैक करता है तो फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता होता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे अल्कोहल के ऊपर तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ठीक है, वो ब्रेक होता होता है। आगे आपके पास आया था कि यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है कि आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो देखें CH3CO2OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जब इथाइल अल्कोहल ने, ठीक है, इथाइल अल्कोहल के ऊपर अटैक किया गया है न्यूक्लियोफाइल के जरिए, तो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जिस तरह यहाँ पे बताया। अब जो दूसरी एग्जाम्पल है इसके अंदर आपके पास वही इथाइल अल्कोहल है और इसी इथाइल अल्कोहल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या होना है कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, वो कौन सी हो रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन सेपरेट हो गया। आगे आपके पास बता रहा है कि जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है अल्कोहल्स के अंदर वो कुछ इस तरह से फॉलो किया जाएगा, जो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है, ठीक है, ये कह लें कि ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और आपके पास जो टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं। यदि आपने अच्छी तरह कर लेना है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं तो वो आपने पूछने नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।